बॉलीवुड में गाने तो बहुत बने हैं, लेकिन कम ही गाने हैं जो जैसे ही सुनने में आते हैं तो अचानक से जो हीरो के स्टेप्स होते हैं वो स्टेप्स हमारे दिमाग में आ जाते हैं और उस गाने को सुनकर हम वो स्टेप्स करने लगते हैं। यानी कि उन गानों को सुनकर हम डांस ना करें ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ऐसा ही एक सदाबहार गाना है बिग बी अमिताभ बच्चन का, जुम्मा चुम्मा दे दे। ये गाना फिल्म इंडस्ट्री का ही नहीं बल्कि बिग बी के करियर का भी एक सुपर हिट सॉन्ग है जिसके लिए हमेशा बिग बी जाने चाहेंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस गाने को कब बनाया गया, कैसे बनाया गया, कितने दिन लगे इस गाने को लिखने में और कितना समय लगा इस गाने को रिकॉर्ड करने में? आज इसी गाने की डिटेल्स मैं आपको बताने वाली हूँ, कब, क्यों और कैसे में। फरवरी 1991 में हम फिल्म आई थी। लीड हीरो थे अमिताभ बच्चन, रजनीकांत, गोविंदा, किमी काटकर, दीपा साही, शिल्पा शिरोडकर और डैनी जैसे एक्टर्स ने इस फिल्म में काम किया था। इस फिल्म को प्रोड्यूस कर रहे थे अमिताभ के दोस्त रोमेश और फिल्म के डायरेक्टर थे अमिताभ के दोस्त मुकुल एस आनंद। इसी फिल्म का गाना है जुम्मा चुम्मा दे दे। इस फिल्म में आवाज है कविता कृष्णमूर्ति की और मेल वॉइस वो है जिसने अमिताभ की मिमिक्री इतनी अच्छी की कि उनसे अच्छी अमिताभ की मिमिक्री कोई कर ही नहीं पाया, सुदेश भोसले। ये गाना 8 मिनट का गाना है। इस गाने को लेकर ही सुदेश भोसले ने हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान बताया कि इस गाने को लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने लिखा, 12 दिन इस गाने को लिखने में लगे थे। सुदेश भोसले बताते हैं कि लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने उन्हें इस गाने की प्रैक्टिस बहुत बार करवाई। कभी वो अमिताभ की आवाज में ये गाना गाने को बोलते और कभी खुद की आवाज में। हर रोज ऐसा होता कि गाने की एक एक दो दो लाइनें बुलवाते थे और फिर उनकी प्रैक्टिस करवाते थे। 12 दिन तक ऐसा चलता रहा कि 12 दिन तक प्रैक्टिस करवाई अलग अलग लाइंस की। 12वें दिन पता चला कि गाना पूरा हो गया है और गाने की दो दो लाइनें बुलवा बुलवा कर प्रैक्टिस करवाई गई थी। साथ ही दो आवाजों में प्रैक्टिस करवा रहे थे, समझने की कोशिश कर रहे थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल कि सुदेश भोसले इस गाने को किस टोन में गाएंगे तो अच्छा लगेगा, अमिताभ के टोन में या अपनी ओरिजिनल आवाज में। जब गाना पूरा तैयार हो गया और सुदेश भोसले की भी पूरी प्रैक्टिस हो गई तब लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने बच्चन साहब को उनके घर बुलाया गाने का रिव्यू करने के लिए। सुदेश भोसले बैठे थे, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल बैठे थे और बच्चन साहब थे। तब सुदेश भोसले को कहा कि बिना माइक्रोफोन ऐसे ही ये गाना गाकर सुनाओ। बच्चन साहब ने जैसे ही ये गाना सुना उन्हें ये गाना इतना पसंद आया कि उन्होंने कह दिया इस गाने को तुरंत रिकॉर्ड करवा दो। सुदेश भोसले बताते हैं कि जिस दिन ये गाना रिकॉर्ड होना था उस दिन एक ग्रैंड टीम मौजूद थी। मुंबई के महबूब स्टूडियो में इस गाने की रिकॉर्डिंग रखी गई। 80 लाइव म्यूजिशियंस के साथ इस गाने की रिकॉर्डिंग की गई। ये रिकॉर्डिंग एक नहीं दो नहीं बल्कि 17 घंटों तक लगातार चलती रही। इनफैक्ट सुदेश भोसले का कहना है कि वो इस गाने को लेकर इतने कॉन्शियस थे कि उन्हें भूख प्यास का पता ही नहीं चला। साथ ही उन्हें डर भी था कि अगर उन्होंने कुछ खा लिया, कुछ पी लिया जिससे उनकी आवाज अलग हो गई या गला खराब हो गया तो फिर गाना रिकॉर्ड नहीं हो पाएगा और इतने सारे म्यूजिशियंस को इतना बड़ा अरेंजमेंट फिर से अरेंज करना बहुत मुश्किल होगा। इसीलिए उन 17 घंटों तक सुदेश भोसले ने कुछ खाया ही नहीं, वो भूखे रहे। हाँ, 20-25 चाय जरूर पी ली उन्होंने पूरे दिन में, लेकिन खाया कुछ भी नहीं। सुदेश भोसले कहते हैं कि इस गाने की प्रैक्टिस तो अच्छे खासे तरीके से हो गई थी उनकी, इसीलिए रिकॉर्डिंग इतनी टफ नहीं थी। लेकिन उस रिकॉर्डिंग के दौरान ऐसा भी मोमेंट आया जब उनके मुंह से गाना निकल ही नहीं रहा, उन्हें बोलते हुए ही डर लग रहा था। इसके पीछे कारण ये कि बिग बी भी उस दिन महबूब स्टूडियो में ही शूटिंग कर रहे थे, तो जैसे ही उनके सीन में ब्रेक आता बिग बी इधर गाने की रिकॉर्डिंग देखने आ जाते और उनके सामने सुदेश भोसले काफी नर्वस होते जा रहे थे। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जो उस टाइम रिकॉर्डिंग में मौजूद थे वो सुदेश भोसले की प्रॉब्लम भी समझ गए कि बच्चन साहब के सामने सुदेश भोसले नर्वस हो रहे हैं। यही कारण है कि कई बार तो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल खुद बच्चन साहब को अपनी बातों में ही उलझा देते ताकि सुदेश भोसले अपना काम आराम से कर पाते। तो कुछ इस तरह से इस गाने की रिकॉर्डिंग हुई। इतने सेक्रीफाइसेस, इतनी प्रैक्टिस, इतना हार्ड वर्क, इतने घंटों की मेहनत और ये मेहनत रंग भी लाई। ये गाना जैसे ही रिलीज हुआ ओवरनाइट ये गाना
पॉपुलर हो गया, चार्ट बस्टर सॉन्ग था। इस गाने ने न सिर्फ बिग बी को एक बार फिर से, जो अपने उस टाइम के करियर के टफ दौर से गुजर रहे थे, थ्री हीरो फिल्म कर रहे थे, उनको वापस एस्टैब्लिश करने में मदद किया और सुदेश भोसले पर छाप लग गई कि अमिताभ के लिए सबसे बेस्ट गाना ये ही गा सकता है। तो कुछ इस तरह से इस एवरग्रीन सॉन्ग को रिकॉर्ड किया गया। गाने आज भी बनते हैं, लेकिन आज उसी तरह के गाने बनते हैं जैसी ऑडियंस है। ऑडियंस बहुत जल्दी आज की बोर हो जाती है, उन्हें हर पल कुछ नया चाहिए। यही कारण है कि आजकल गाने भी ऐसे ही बनते हैं कि दो चार लाइनें होती है, उसी में पूरा गाना निकल जाता है। वरना वो दौर अलग था जब 8-8 मिनट के गाने हुआ करते थे। कब क्यों और कैसे में अभी के लिए बस इतना ही। आपको हमारी ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिए। फिर लौटूंगी एक और नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए लाइक करें हमारा फेसबुक पेज बॉलीवुड ठिकाना, फॉलो करें हमें इंस्टा पे और सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल बॉलीवुड ठिकाना।